हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप बताऊंगी डबल फ्रिल वाली स्लीव्स कैसे बनाएं। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल आइकॉन का बटन दबाइए जिससे आपको मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। देखिए, जैसे हम नॉर्मल स्लीव्स कट करते वैसे मैंने नॉर्मल स्लीव्स कट कर ली और ये बिना लाइनिंग के, देखिए इस तरह। और ये हमारी नेट है, देखिए मैं आपको इसका साइज बताती हूँ। स्लीव्स का स्लीव्स की जो लंबाई है हमें 11.5 इंच ली है, तैयार में ये 11 आएगी। देखिए इसकी जो वृत्ति है हमने 7.5 इंच ली है। देखिए सर, मैंने दोनों स्लीव्स कट कर लिए नॉर्मल, जैसे हम ऊपर से गुलाई लेके कट करते हैं। देखिए नीचे हमारा बॉर्डर भी आ रहा है स्लीव्स में, देख सकते हो दोनों में इस तरह। और ये हमारी नेट है तो इसमें से हम नेट कट करेंगे डबल फ्रिल। देखिए इस तरह से हम डबल फोल्ड करेंगे। देखिए इसमें डबल फोल्ड करिए, इसकी जो लंबाई है हमें 4.5 इंच ली है। देखिए इसकी चौड़ाई है डबल फोल्ड में 21.5 इंच है, इसे हम कट कर लेते हैं स्ट्रेट। बीच में से भी कट करेंगे। देखिए इस तरह हमारी दो कट हो गई है दोनों स्लीव्स के लिए, देख सकते हैं। अब एक और फ्रिल कट करेंगे, इसे हम इस तरह डबल फोल्ड करेंगे। चौड़ाई वो हम 3.5 इंच लेंगे, वो हमें 4.5 इंच, लेकिन हम 3.5 लेंगे, 1 इंच हम कम लेंगे इसमें से। देखिए इस तरह में दोनों कट कर लिए, इस तरह ये हमारी छोटी है तो इस तरह ये इसके ऊपर आएगी। फिर हम नीचे से 1/2 इंच इस तरह फोल्ड कर लेंगे। इस तरह पी को भी करा सकते हैं, पर हम फोल्ड करेंगे इस तरह। फिर हम नीचे फोल्ड करके और इस तरीके नीचे में इस तरह फोल्ड करेंगे और स्ट्रेट सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरह नीचे में फोल्ड कर दिया, देख सकते हैं। इसी तरह मैं बाकी तीनों भी तैयार कर लेती हूँ। देखिए इस तरह मैं बाकी तीनों भी तैयार कर लिए, देख सकते हैं। अब हम स्लीव में लगाएंगे ना। देखिए इस तरह मैंने नीचे स्लीव सीधी रखी है, देखिए जो मैं छोटी पट्टी कट की थी इस तरह रखेंगे और इसके ऊपर हम बड़ी वाली रखेंगे। फिर देखिए इस तरह उल्टा और हम इसमें स्लीव डालते हुए सिलाई लगाएंगे। 2 इंच तक प्लेन सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह दोनों में एक सम फ्रिल डालेंगे। देखिए इस तरह सिलाई लगा दिए, देख सकते हैं। हमारी डॉल फ्रिल हो गई है। अब हम इसके ऊपर भी सिलाई लगाएंगे जो हमारी नीचे इस तरह रखेंगे और इसके ऊपर भी सिलाई लगाते हैं। देखिए हमने इसके ऊपर भी सिलाई लगा दिए, हम 1/2 इंच होके एक और सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह मैंने डबल स्लीव लगा दी है, देख सकते हैं हमारी पूरी स्लीव रेडी होगी। इसी तरह मैं दूसरी स्लीव भी रेडी कर लेती हूँ। देखिए इस तरह मैंने दोनों स्लीव तैयार कर लिए, देख सकते हैं। देखिए हमने जो फिनिशिंग दी थी दोनों में, देखिए हमें छोटी लेयर भी लगा दी, बड़ी बड़ी लेयर भी लगा दी दोनों में। देखिए इस तरह हमें यहाँ फिनिशिंग दे दी है और देखिए फिटिंग के बाद देख सकते हैं कितना सुंदर लुक आ रहा है हमारी स्लीव का। इस आसान तरीके से आप डबल फ्रिल वाली स्लीव बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना।